भाई बॉलीवुड हर साल करोड़ों रुपए कमाता है आईपीएल से, और ऐसे काफी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनकी पूरी अर्निंग्स आईपीएल टीम से चल रही है। बट आईपीएल और बॉलीवुड दोनों को क्या फायदा होता है, और भाई सलमान खान ने क्यों नहीं खरीदी टीम, भाई कौन बताएगा। ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि भाई मैंने तो कसम खाई जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी तब तक आईपीएल की वीडियो बनाता रहूंगा और आरसीबी को सपोर्ट करता रहूंगा और आरसीबी की ऑडियंस बढ़ाता रहूंगा। बॉलीवुड को इतना ज्यादा क्या फायदा होता है आईपीएल से, काफी कम लोगों ने नोटिस करा होगा। बिहाइंड द सीन दोनों को काफी बड़ा फायदा होता है। भाई सबसे पहले आते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, आईपीएल को या फिर बॉलीवुड को। अगर कंपेयर करें तो आईपीएल को ज्यादा फायदा है बॉलीवुड के साथ रहने से। अगर आप कंपेयर करोगे तो आईपीएल की ऑडियंस ऑलमोस्ट 300 से 400 मिलियन है और इसके 3 करोड़ लोग लाइव देखते हैं, बट इंडियन सिनेमा की तो बहुत बड़ी ऑडियंस है बट उसमें बॉलीवुड की काफी कम है। सबसे पहले बॉलीवुड को क्या फायदा होता है, इसके 3 चीज है। सबसे पहले सिंपल एंड ऑफ कोर्स भाई पैसा, पैसा इसलिए तो बॉलीवुड इन्वेस्ट कर रहा है। भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जैसे कि शाहरुख खान, जूही चावला, प्रीति जिंटा और शिल्पा शेट्टी जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने अपनी क्रिकेट टीम खरीद रखी है आईपीएल में, जिसके वजह से भाई वो काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर हम बात करें प्रीति जिंटा की, शिल्पा शेट्टी की, भाई ये लोग साल साल दो दो साल मूवीज नहीं करते बट स्टिल इनके पास पैसा आईपीएल टीम से आता है। जैसे कि किंग्स इलेवन पंजाब, जो कि पंजाब किंग्स हो चुकी है अब, उसकी नेटवर्थ 45 मिलियन डॉलर है और प्रीति जिंटा का इस टीम में 26% तक का शेयर है। भाई तभी तो मूवीज नहीं कर रही है। जैसे राजस्थान रॉयल की नेटवर्थ 271 करोड़ है और उसमें से 11% शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के पास है। सबसे लास्ट आता है केकेआर, जिसकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 900 करोड़ से भी ज्यादा है। केकेआर शाहरुख खान, जूही चावला और मेहता ग्रुप ने खरीदी है और उसके मैक्सिमम शेयर जो कि 51% से भी ज्यादा शाहरुख खान के पास है, इसलिए उस टीम को ओन करते हैं और भाई ऑफकोर्स उसके पैसे भी इन्हीं के पास जाते हैं। जैसे लास्ट इन्होंने ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक तो भाई आईपीएल से कमाया, क्योंकि केकेआर की टीम का लिंक होना शाहरुख खान से उसमें इतनी बड़ी चीज है कि कोई भी ब्रांड एंडोर्समेंट उनको काफी महंगा पड़ता है। जैसे भाई ओवरलेस लगाया हमने महंगा नहीं पड़ा ना, हमने दिल से लगाया, बट जैसे वहां पे है ना भाई वो लोग वो कुछ नोकिया वोकिया लगाते तो उनका बहुत महंगा पड़ता है। और इनडायरेक्टली भाई उन ब्रांड को काफी फायदा होता है कि प्लेयर्स तो पहनते ही उनकी जर्सी और उसके साथ साथ शाहरुख खान भी पहनते हैं। सलमान खान ने एक बार टीम खरीदने का ट्राई करा था बट उन्होंने बिड नहीं कर पाए। काफी बड़े बड़े एक्टर है जिन्होंने खुद ने ट्राई किया वो क्रिकेट टीम खरीदेंगे, बट भाई इतना इजी नहीं होता क्योंकि आपको बिड करना पड़ता है, काफी लोगों के साथ मिलना पड़ता है और एक अच्छा तगड़ा आपको बिजनेस पार्टनर मिलना भी जरूरी है। भाई केकेआर इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज में भी, वहां भी खरीद रखा है, दुबई में भी खरीद रखा है और अभी रिसेंटली केकेआर की वुमेन्स टीम बनी है वो भी शाहरुख खान ने खरीद रखी है। बट भाई यही रीजन है कि सब लोग क्रिकेट टीम खरीद रहे हैं, बट जिनका फायदा नहीं होता, जैसे कोई पैसे लगाना नहीं चाहता टीम खरीदने जाता, उनको क्या फायदा होता है। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो है रीच वाइडर ऑडियंस। मतलब भाई बॉलीवुड और आईपीएल दोनों के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है बट दोनों की ऑडियंस बहुत अलग अलग है और भाई ये दोनों लीडर है अपने मार्केट में। ऑल्दो साउथ के लिए अलग ही प्यार है मेरा। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 60 मैचेस हुए और उनमें इसकी लाइव ऑडियंस 3 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी ऑडियंस को कौन मिस करना चाहेगा भाई। अगर आपको आईपीएल की पावर का अंदाजा लगाना है तो भाई इसकी ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़ से भी ज्यादा, 90,000 ही ज्यादा है ऑलरेडी। और भाई आपने देखा होगा आईपीएल की वजह से बॉलीवुड को काफी लॉस भी होता है कि काफी ऐसे मूवीज आते हैं आईपीएल के टाइम पे जो फ्लॉप हो जाती है, उसी वजह से इन्होंने सोचा भाई क्यों ना कोलैब ही कर ले दोनों। वैसे इसका एक फनी एग्जांपल है कि भाई आईपीएल के टाइम में फैन मूवी रिलीज हुई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी, उसी सीजन में केकेआर हार गई थी और आरसीबी फाइनल में जाती है और आरसीबी वर्सेस हैदराबाद का मैच होता है और मैं कंफ्यूज होता हूं कि भाई सपोर्ट किसको करूं। बट मैं वापस पॉइंट पे आता हूं, भाई नहीं इस साल कप नाम दे और मैं आरसीबी को ही सपोर्ट करता हूं, बट लक नहीं रहता, बट हां यार इस साल जीत जाएंगे। डेटा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट चैनल जैसे सोनी, सेट मैक्स, स्टार प्लस, सब टीवी, ये सबकी व्यूअरशिप 20-30% गिर जाती है। भाई यही तो रीजन है कि इन्होंने आईपीएल ही सेट मैक्स पे लगा दिया कि भाई गिरे ना बढ़ जाए, और यही रीजन है कि उन्होंने सोचा सभी ऑडियंस अगर क्रिकेट में जा रही है तो वो लोग भी क्रिकेट में चले जाते हैं, इसलिए भाई वो कमेंट्री भी करते हैं वहां पे जाके डांस भी करते हैं, मैचेस देखने जाते हैं, जिससे पता है भाई जो क्रिकेट की ऑडियंस है वो उन एक्टर्स को पहचान लेती है और उनकी ज्यादा ऑडियंस बन जाती है और सेम आईपीएल को भी ज्यादा फायदा होता है। और इसी सबसे बड़ी ऑडियंस का फायदा उठाने में काफी मूवी प्रमोशन भी होती है, जैसे कि केजीएफ 2 जब आई थी तो संजय दत्त और रवीना टंडन दोनों आरसीबी के साथ आए थे, केजीएफ 2 में रॉकी भाई जीत गए, आईपीएल भी आ ही रहा है, आरसीबी जीतेगा भाई, रॉकी भाई, आरसीबी, वेंकी भाई, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूं भाई। सबसे थर्ड पॉइंट है इनवाइटिंग स्टार्स फॉर मैच। बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है कि काफी ऐसे एक्टर्स है जो जानबूझ के भाई मैच में आते हैं देखने के लिए क्योंकि वो भाई फैन बेस उनकी बढ़ जाए। काफी लोग तो काफी बड़े क्रिकेट के फैन होते हैं और दिख जाते हैं, कुछ लोग तो एक्टिंग करते रहते हैं क्रिकेट के फैन होने के, मतलब पूरा बैट उल्टा पकड़ के उनकी टीम हार रही होती है और वो चीयर करते रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिस वजह से बॉलीवुड आईपीएल को पसंद करता है। बट अब मेन चीज आती है जिसके सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो कि आईपीएल को बॉलीवुड से क्या फायदा होता है। भाई बहुत फायदा होता है, इसके भी 7 सिंपल 3 पॉइंट्स है भाई। रीच वाइडर ऑडियंस, बॉलीवुड की ऑडियंस और आईपीएल की ऑडियंस काफी मिक्स हो जाती है भाई, जिस वजह से क्रिकेट को काफी ज्यादा फायदा होता है। और भाई यही रीजन है कि काफी ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी ऑडियंस इंडिया के बाहर भी है तो वहां भी जाके आईपीएल प्रमोट हो जाता है, जिस वजह से इनकी व्यूअरशिप जो ऑलरेडी इंक्रीज्ड है और इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। भाई आईपीएल में भाई इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज का फायदा होता है क्या बताऊं। जैसे कि काफी ऐसी टीम है जिनको फेस मिल जाता है, ऑल्दो टीम को खरीदती नहीं, जैसे कि केकेआर को तो ऐसा कि मिल गया क्योंकि फेस है और पंजाब को प्रीति जिंटा। उसके साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद में आपने देखा होगा वेंकट
वेंकटेश जी आ जाते हैं, मतलब मैं नहीं वो हीरो वाले वेंकटेश, आरसीबी में अनुष्का जी आ जाते हैं, जैसे सीएसके में तमन्ना भाटिया जी, थलपति विजय जी भाई, ये सब लोग आते सपोर्ट करने, तो ऑफ कोर्स फ्री के फीसेस भी मिल जाते हैं और काफी मजा भी आता है। थर्ड आता है सिंपल जो कि प्रमोशंस। भाई प्रमोशंस इनके काफी कम प्राइस में और काफी इजीली हो पाते हैं अगर वो उनको एक्टर्स को पहले से जानती है। भाई ऐसे नॉर्मली अगर आईपीएल एसआरके से प्रमोशन कराने जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, बट वो केकेआर के थ्रू जाएगा तो भाई काफी इजी में और काफी कम प्राइस में हो जाएगा। बट ये सिंपल हो चुका है, भाई बॉलीवुड को आईपीएल पसंद है और आईपीएल को भी बॉलीवुड पसंद है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो काफी तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। बट सबसे एंड में चीज ये आती है कि भाई इससे मेरा क्या फायदा, वैसे मेरी चीज सीधी बताता हूँ, कोलैबोरेशन काफी बड़े बड़े होते हैं और यूजुअली ऐसे कोलैबोरेशन देखिए जो दो मार्केट लीडर से कोलैब करते हैं, बट हर बार ये अच्छा नहीं जाता। बेस्ट मार्केट लीडर कोलैब का एग्जांपल है सलमान खान शाहरुख खान पठान मूवी में, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन वॉर मूवी में, एप्पल और नाइकी का कोलैब 2006 में जिससे दोनों की सेल्स बढ़ गई थी, भाई कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स का कोलैब, क्रिस्टोफर नोलन और डीसी का कोलैब डार्क नाइट मूवी के लिए, आरआर मूवी में एसएस राजमौली एनटीआर और रामचरण का कोलैब, ये तो बेस्ट एग्जांपल्स हो गए। बट अब आते बैड एग्जांपल्स में, ईबे और फ्लिपकार्ट का कोलैब टू गुड बनाने के लिए जो भाई जो फ्लॉप निकला, सोनी एंड इरेक्शन का कोलैब हुआ था 2001 में जो भाई ऑफ कोर्स उतना नहीं चला, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का कोलैब, सलमान खान और संजय लीला बंसाली दोनों का कोलैब हुआ था बट सावरिया मूवी में फ्लॉप, अनुराग कश्यप और करण जौहर का कोलैब फ्लॉप, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल बर्नर्ड बिट्स और टीएम क्यूसी का कोलैब हिट भाई 100% हिट। भाई सिंपल भाषा में कोलैबोरेशन हर बार सही नहीं होता, जैसे अगर ब्रांड के हिसाब से देखो आईपीएल को बॉलीवुड को हर बार प्रॉफिट ही होगा और वो कोलैब करेंगे, और वैसे काफी से लोग हैं जो विराट कोहली के फैन हैं तो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, हाँ बट मैं दोनों का फैन हूँ। बट भाई सिंपल भाषा में ये काफी कंपनीज करती है दो मार्केट लीडर्स को कोलैब करना, बट इसमें हमारा ध्यान रखना होता है भाई वो एज अ प्रोडक्ट और एज अ कॉन्टेंट क्या उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी सलमान खान और शाहरुख खान का कोलैब पठान मूवी में मुझे पर्सनली उतना ज्यादा खास नहीं लगा, मैं चाहता था कुछ और तगड़ा है, ऐसे कोलैब को काफी ध्यान से देखना पड़ता है। इससे भाई पठान मूवी का काफी प्रॉफिट हुआ, उन्होंने शायद सिर्फ छोटा सा रोल डाला होगा उसमें, बट हमको उतना पसंद नहीं है, बट उनको काफी ज्यादा फायदा हो गया उससे। और अगर कोलैब करना है तो आप हमारे साथ कोलैब कर सकते हो सब्सक्राइब करके, और हम आपको बोलते नेक्स्ट वीडियो जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, बट हाँ हर बार कोलैबोरेशन सही नहीं होता। बट भाई आईपीएल के कैमरा वाले बंदे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी दिल से प्रार्थना है कि भाई इस बार सिर्फ मैच पे फोकस करना। आप बताना कमेंट में आप क्या देखना चाहते हो, क्रिकेटर्स को या फिर क्रिकेटर्स की। फिर भी जीतेगी आरसीबी, और ऐसे काफी एक्टर्स जो मूवी नहीं करते बट सिर्फ आईपीएल की टीम पे जिंदा है।